कैमरा थोड़ा सा मुझे हिला हुआ लग रहा है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं। खैर, अब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ सारा काम। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सिखा देता है। खैर, शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही थी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो रही थी, मतलब होनी थी, वो नहीं रही थी, होनी थी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे छोटा पार्ट होता है, ज्यादा इसमें कुछ समस्या होती नहीं है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है पहचान जाते हैं ऐसे ही, उसमें क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और उसमें और तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे ओ ओ वाओ, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, फी फी, फाई फाई भी कहते हैं लोग इसको, चट शिट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा पता है। उफ उफ, ओ, उफ, एलएस, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन के वर्ड होते हैं। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सीधा मतलब है आश्चर्य दिखाना, विस्मय दिखाना, शोक, संताप, कष्ट, दुख, तकलीफ, पीड़ा, इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करना। शोक, संताप, दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, आश्चर्य, विस्मय, इस तरह की चीजों को व्यक्त करना, ये काम किसका होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। तो जो आपके पास ऑप्शन है वो देखिए, सेंटेंस का मतलब इसमें ये सेंस होता है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है। दुख है, तकलीफ है, खुशी है, आनंद है, आश्चर्य, छुपा हुआ क्या है, ये बस देखना है। और जो चीज छुपा हुआ है उसमें सेंटेंस में, और उसी चीज को देखने के लिए सारे वर्ड्स में लिखा रहता है, वेल डन, मार्वलस, वाह, हुर्रा वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने वर्ड्स लिखे रहते हैं, हुर्रा ये सब लिखा रहता है। तो आपको ये देखना रहता है इन सब वर्ड्स का कि आखिर सेंटेंस में है क्या, खुशी है, दुख है, तकलीफ है, गम है, पता है सेंटेंस गम वाला है और आप खुशी मना रहे हैं, सेंटेंस गम खुशी वाला आप गम मना रहे हैं, तो ये इसलिए इस तरह के एक्सक्लेमेशन वाली चीजें उसमें लिखी रहती है। तो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हमको क्या करना होता है, से को चेंज करना होता है, एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, प्लेजर, वॉन्डर, WND, वॉन्डर, सरप्राइज, हेट्रेड, डिसगस्ट, कंटेम्प्ट, एंग्विश, कुछ तो होगा छुपा हुआ, कुछ तो छुपा होगा सेंटेंस में, कोई तो भाव होगी। और इसमें से अधिकांश भाव तो जॉय कहो, हैप्पीनेस कहो, प्लेजर कहो, एक ही चीज है। हर्टेड अलग हो गया, सरप्राइज अलग हो गया, डिसगस्ट को, कंटेम्प्ट को, एक एंग्विश, एंग्विश का मतलब कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो जाता है, बहुत ज्यादा कष्ट हो, बहुत ज्यादा पीड़ा हो, ताकि सेंटेंस के सामने वाले को बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो एंग्विश लिख देते हैं, एंग्विश लिख देते हैं।
तो ऐसा ही कोई वर्ड चुनना है जो आपको इस तरह के भाव को दिखाए। कंटेम्प्ट क्या है? घृणा। हेटर्ड क्या है? घृणा। डिस्गस्ट क्या है? घृणा या नफरत। एंग्विश क्या है? कोई ज्यादा ही तकलीफ। वंडर क्या है? आश्चर्य या सरप्राइज। तो इस तरह के वर्ड्स को आपको ढूंढ के लाना है। मैं एक आध वर्ड और देख लेता हूं, अगर कुछ इसमें और हो तो। डिलाइट। सब एक ही जैसा वर्ड। डिलाइट मतलब हैप्पीनेस हो गया। डिलाइट। डर दिखाना तो क्या हो जाएगा? हॉरर। मतलब जो सेंस है वो आप चुन लीजिए। डिलाइट है, हॉरर है, ग्रीफ है, रिलीफ है, सुकून, आराम, ऐसे जो लगे। जन जन जो देखे, ग्रीफ है तो ग्रीफ लिखा, ग्रीफ सॉरो एक ही चीज हुआ, रिलीफ आराम, जो भी है इस तरह के वर्ड्स चुन लीजिए, वगैरह वगैरह। और चाहे तो एटसेट्रा, इस एटसेट्रा, चाहे तो इसी को उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब ये तो है कि से को एक्सक्लेम विद जॉय कर दिया, सोरो कर दिया, हैप्पीनेस, प्लेजर, वंडर, सरप्राइज, हेट्रेड, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, एंग्विश, डिलाइट, हॉरर, ग्रीफ, रिलीफ, क्या क्या ही क्या। इसी चीज को हम लोग, जैसे हम लोग के से शुरू, से की जगह पर एक्सक्लेम की जगह पर, यानी से को हमने एक्सक्लेम किया है, से को चेंज करके एक्सक्लेम लाए हैं, तो से या एक्सक्लेम की जगह पर से को जो चेंज कर हम एक्सक्लेम ला रहे हैं, या एक्सक्लेम की जगह पर, दोनों जो जैसा कहना हो, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकता है कुछ बुक में कि विद, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती, से को एक्सक्लेम करने की जरूरत है, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, सिर्फ उसी चीज को नाउन बना दे रहा है, तो वहां एक्सक्लेम विद था, उसको उल्टा कर दिया, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, सॉरो, हैट्रेड, वही सारे वर्ड है, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, रिलीफ, ग्रीफ, प्लेजर, सरप्राइज, वही सारे वर्ड्स से लिखने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, एटसेट्रा, वही सारे वर्ड्स नाकाम। मतलब मेन आपको जो से को चेंज करने वाला पार्ट है वो मेन पार्ट है, से को चेंज करने वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाव को समझना। और उसके बाद जो कनेक्टर की बारी आएगी, तो कनेक्टर इट में भी क्या है, दैट, यानी दो ही जगह कनेक्टर आपको बदल रहा है। एक जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गए थे, यस नो क्वेश्चन था, तो इफ या वेदर आया था कनेक्टर। एक जो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इंपेरेटिव में, वहां कनेक्टर था दो, टू में, तो अधिकांश जगह तो कनेक्टर क्या है, दैट ही है, मैक्सिमम जगह। असर्टिव सेंटेंस में भी दैट था, एक्सक्लेमेटरी में ही दैट ही आया, नॉर्मली आपको क्या है, दैट है। उसमें भी अगर लेट वाले कई सेंटेंस में, जब ऑर्डर सजेशंस वगैरह की बात, उसमें भी क्या प्रपोजल, तो उसमें भी दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, तो कई जगह, मैक्सिमम जगह जो है दैट ही आता है। तो जहां जहां इफ और वेदर और टू आ रहा, उस पर खाली ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम जगह तो दैट ही आ जाता है। तो कनेक्टर क्या होगा, दैट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस होता है वो हमेशा छोटा होता है, उसको एसर्टिव बनाना रहता है। मेक एन एसर्टिव सेंटेंस ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि जो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा उसको आप असर्टिव सेंटेंस बनाइए, या फिर उसको चेंज करना है, फिर चेंज करना, पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब असर्टिव सेंटेंस बन जाए तो फिर उसे चेंज करना है, एंड देन चेंज। क्या लिखा करेक्टर में, क्या आया, दैट, फिर क्या लिख रहे, मेक एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको सबसे पहले क्या कीजिए, एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कीजिए, अब फिर क्या कीजिए,
देन चेंज द नरेशन, उसके बाद आपको नरेशन को चेंज करना है, उसके बाद नरेशन को चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद पहले एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया और फिर उसको चेंज कर दिया। सपोज करो, क्योंकि ये हमेशा इनकम्प्लीट होता है, इसे लिख दिया व्हाट अ प्लेस। अब ये व्हाट अ प्लेस को आप कैसे चेंज करेंगे, इसका टेंस कैसे चेंज करेंगे? इसमें ना सब्जेक्ट दिख रहा है ना वर्ब दिख रहा है, खाली नाउन दिख रहा है। व्हाट दिख रहा है, व्हाट भी आप क्वेश्चन के लिए कुछ और चीज के लिए वो भी पता नहीं चल रहा है। तो चलो यहाँ आपसे पता चला कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। फिर बिना सब्जेक्ट वर्ब टेंस वगैरह कैसे चेंज करेंगे, इसलिए पहले सबसे पहले इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सेंस के आधार पर कह लो व्हाट अ प्लेस, और व्हाट प्लेस किसके साथ है, तो वाओ व्हाट अ प्लेस, वाओ व्हाट अ प्लेस, तो इसका मतलब अच्छी बात है। क्या इट इज अ गुड प्लेस, ये बन जाएगा। या सपोज करो कि ये लिखा था व्हाट अ प्लेस लिखा था इसके साथ सेट व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, उफ व्हाट अ प्लेस, तो ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ बैड प्लेस। यही समझने की बात थी कि एक्सक्लेमेशन किसके साथ है, तो उफ व्हाट अ प्लेस, ओह व्हाट अ मैन, उफ व्हाट अ मैन, सच व्हाट अ मैन, सत्यानाश कर दिया। तो वो अभी तो मेरे चेहरे से पता चलेगा, वहां तो चेहरा किसी का दिखेगा नहीं, तो वहां एक्सक्लेमेशन का वर्ड होता, ओ वाओ हुर्रा अलास फेफी, इस तरह के वर्ड्स रहते हैं, उससे पता चल जाता है अब क्या कहना चाह रहा है। तो हमने कहा व्हाट अ मैन, तो दो बातें हो सकता है, ही इज अ गुड या वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन ये हो सकता है मीनिंग, या दूसरा क्या हो सकता है, ही इज अ बैड और डिस्गस्टिंग मैन, ये तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, कहता व्हाट अ ब्यूटीफुल डियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल डियर। अब सीता ने कहा ये कितना खूबसूरत हिरण, हाउ ब्यूटीफुल द डियर इज, क्या बना दिया, क्लियर सेंटेंस पर लिखिए, डिस्गस्टिंग डी आई एस जी यू एस टी आई एन जी, डिस्गस्टिंग, ही इज अ बैड और डिस्गस्टिंग मैन, या लिखेंगे ही इज अ बैड मैन, या लिखेंगे ही इज अ डिस्गस्टिंग मैन, ही इज अ बैड मैन या ही इज अ डिस्गस्टिंग मैन, ही इज अ बैड मैन या ही इज डिस्गस्टिंग मैन। फिर जैसे चेंज पर्सन टेंस वगैरह चेंज करना है, वैसे ही चेंज करना है, कहता हाउ ब्यूटीफुल द डियर इज, ऐसा लिख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डियर, कुछ भी हो सकता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डियर, हाउ ब्यूटीफुल द डियर इज, कुछ भी, तो सेंस तो एक ही हुआ ना, द डियर इज वेरी ब्यूटीफुल, दोनों लिखिए इसका मीनिंग क्या है, द डियर इज वेरी ब्यूटीफुल, या डियर डियर इज ब्यूटीफुल, जर्नी के हम वेरी लिखे ही, तो सेंस से तो वेरी आ रहा है, लेकिन नहीं भी लिखे तो द डियर इज ब्यूटीफुल। तो जो भी सेंटेंस है उसके सेंस के हिसाब से उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कीजिए, और फिर इस असर्टिव सेंटेंस को का डायरेक्ट बना जाए, ठीक है, फिर इस assertive sentence का indirect बनाना है। तो हम sentence लेते हैं और last में क्या करना है, full stop, mark of exclamation का use नहीं करना है, जब
सेंटेंस चेंज हो जाए, जब सेंटेंस बन जाए, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं करना, क्या इस्तेमाल करना है, फुल स्टॉप का यूज करना। यानी फर्स्ट काम क्या हुआ, से को सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, से को सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, हैट्रेड, रिलीफ, डिसगस्ट, हैट्रेड, कंटेम्प्ट, रिलीफ, ग्रीफ, डिसगस्ट, एंग्विश, जिसमें बदलना है बदल दीजिए। फिर जो कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे उसके जगह दैट का इस्तेमाल कीजिए, जो कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाया उसके जगह दैट का इस्तेमाल कीजिए। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप एसर्टिव सेंटेंस बना दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस बना दीजिए, और मार्क ऑफ जो एक्सक्लेमेशन है उसको फुल स्टॉप कर दीजिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है उसको फुल स्टॉप बदल दीजिए। पहले से को चेंज किया, फिर कंजंक्शन में दैट का इस्तेमाल किया, एसर्टिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदला, और फिर एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया। जरा इसको एग्जाम्पल से देखिए, और लास्ट में जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था उसको फुल स्टॉप में बदल दिया। ये तीन चार काम करना है, छोटा छोटा काम करना है। तो हमने कहा सीता सेड, सीता सेड हाउ ब्यूटीफुल द डियर is, how beautiful the deer is. नहीं है इसमें कोई wow या कुछ भी, ओह कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इससे पता चल रहा है कि खूबसूरत है डियर। तो अब इसको मेंटली दिमाग में आप बना लीजिए कि ये जो सेंटेंस है आपका है, या अगर मेंटली दिमाग में नहीं पड़ता फिर तो लिखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपके लिखने के पास जगह कहाँ रहता है, ऑनलाइन एग्जाम ज्यादातर होता है, दिमाग में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि हाउ ब्यूटीफुल द डियर इज। तो ये हो गया द डियर इज ब्यूटीफुल, द डियर इज ब्यूटीफुल, और सीता लिख दिया, सीता एक्सक्लेम विथ जॉय या सरप्राइज या वंडर, जो भी सेंस आए अच्छा सा लगे आपको, एटसेट्रा, दैट हाउ ब्यूटीफुल द डियर इज ब्यूटीफुल। तो क्या होगा, द डियर, डियर क्या होगा थर्ड पर्सन होगा, इसकी जगह क्या होगा, वॉज ब्यूटीफुल, या वेरी ब्यूटीफुल हो तो वेरी ब्यूटीफुल कर दे, मान ले ब्यूटीफुल भी और वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा, द डियर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इतना ही तो करना था। ठीक है, कोई मुश्किल काम है, हमने कहा राम सेट, oh what a pleasant surprise, what a pleasant surprise, what a pleasant surprise, kya it is a pleasant surprise, kya ho jayega, what a pleasant surprise, kya hua, it is a pleasant surprise, it is a pleasant surprise, ye to hoga tab, it is a pleasant surprise ko ye oh hai, अच्छा ओ, तो क्या होगा, राम एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर या जॉय दैट, दैट क्या होगा, इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये तो होगा, तो क्या होगा, इट इट वॉज
प्लेजेंट सरप्राइज, इतनी बात होनी थी, यही था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ ज्यादा कहानी नहीं या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर दे, तकलीफ में डाल दे, ऐसा नहीं, और डालेगा भी नहीं। एक्सक्लेमेटरी वाला ऐसे वो लोग बना देते हैं। अब एक दो एग्जांपल बुक से भी कर लेते हैं। सेंटेंस है, He said, he's a bat, he's a bat. क्या खुद कई तरह से बना सकते हैं? He exclaimed that it was bad. ये ऐसे ही लोग देगा, he exclaimed with disgust that it was bad. He exclaimed with contempt that it was bad. ऐसे भी थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हैं। ये भी कह सकते थे, he gave an exclamation of contempt या disgust या hatred। ये बहुत मतलब कहते हैं बड़ा गंदा समूह बनाया, हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ा गंदा समूह बनाया। तो bad कहने का तो सेंस यही है, तो मुझे बना यह सीधा में he exclaimed with disgust that it was bad, normal हुआ ये। ये he exclaimed with hatred that it was bad, जब बना he gave an exclamation of dissatisfaction, ये भी कर सकते हैं, disgust, contempt, dissatisfaction, कि खुश नहीं था वो, he gave an exclamation of dissatisfaction या contempt या disgust, dissatisfaction ऐसे मतलब सेंस के हिसाब से चलना, बात है कि dissatisfaction भी कहेंगे, disgust भी कह सकते हैं, hatred भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, जरा इसको बनाते हैं। अक सेड दशरथ एंड टर्न्ड हिज फेस। कब की कहानी होगी? जब केकई ने राम को जब जंगल भेजने का इरादा कर लिया होगा, वर वर मांग लिया होगा, तो वर वर देने के बाद जो है केकई जिसको मैं उसको कभी मृगनयनी दिखती होगी, सब स्वप्न सुंदरी दिखती होगी, उसमें सिर्फ नागिन दिख रही होगी, नजर नजर की बात कि, और दो वरदान मांगने से पहले वही पत्नी जो है दुनिया की बेहतरीन में से एक थी, दो वर मांग लिया, उसके बाद वही नागिन हो गई, छोड़ ही दिया, त्याग ही दिया। इसलिए जब कोई आपको प्रेम करे, माने, तो उसका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जो सम्मान करे, प्रेम करे उसको, उसको ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट करे, फिर नफरत भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि तो असल जो है, कोई भी इंसान जो है ना, वो प्रेम पे ज्यादा ध्यान रखता है। अगर उससे प्रेम मिल रहा है तो वो किसी भी कंडीशन में खुश रह लेता है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो फिर आपका सुंदर होना, खराब होना कोई मायने नहीं रखता। सुंदर होना तो बिल्कुल मायने नहीं रखता है, कि अगर आपका स्वभाव सुंदर ना हो तो कोई मायने नहीं रखता। उस सेड दशरथ एंड टर्न्ड हिज फेस। तो इसका मतलब क्या कि बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ, और उफ कहते हुए उसने दशरथ अपना मुंह फेर लिया। यही था, यही सेंस है। अब इस सेंस के हिसाब से बनाइए, वैसे अगर ये सेंटेंस दे देगा एग्जाम में तो लोगों को आग लग जाएगी। ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन है, उफ, इसको
मीनिंग निकालने की कोशिश, एक्सप्रेशन का साउंड ऐसा ही रहता है, सब टर्म सब ऐसे ही रहता है। अब इसको बनाना था तो सेंस के हिसाब से क्या बन गया, विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट दशरथ टर्न्ड हिज फेस, विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्गस्ट दशरथ टर्न्ड हिज फेस। दूसरा हो सकता था दशरथ एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट एंड टर्न्ड हिज फेस, ये भी हो सकता था। ठीक है, एक दो सेंटेंस अभी और देखते हैं। ही सेड ड्रेडफुल या हाउ ड्रेडफुल, ड्रेडफुल भी हो सकता था या हाउ ड्रेडफुल, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज dreadful, या ऐसे भी he exclaimed with horror, he exclaimed with terror that it was dreadful, ऐसा भी लगा, he exclaimed that it was dreadful, और ये लगा he exclaimed with horror, he exclaimed with fear, he exclaimed with terror that it was dreadful, वो भी ठीक है इसमें। How dreadful, so he exclaimed that it was dreadful, या he exclaimed with terror, he said it was dreadful. The teacher said nonsense, बेतुका फालतू एकदम गंदा, तो क्या हो जाएगा, the teacher exclaimed that nonsense का मतलब क्या, it is nonsense, nonsense का sentence क्या बनेगा, it is nonsense, so it was nonsense. It was nonsense. Yet the teacher exclaimed with disgust, hatred, that it was nonsense. एकदम बर्बाद बेहुदा जो भी कहना था. The coach said, well done, my boys. My boys. अब इसी में देखना दो ध्यान रखना, well done मार्को प्रश्नार्थ कर देता और my boys को कैपिटल में लिखता, तो इसका मतलब my boys को ऐसे कहते my boys well done, तो फिर my boys को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको बदल देते, फिर कहते कोच एड्रेस द बॉयज एंड सेड इट वाज दे हैव डन वेल। अब नॉर्मली ऐसा तो लिख नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, द कोच सेड, तो क्या होगा, द कोच एक्सक्लेम्ड या अप्लॉडेड, well done क्या है, तारीफ करना है, क्या होगा, the coach applauded, admired, the coach exclaimed with applaud या applause, admiration, the coach exclaimed with applaud, admiration, applause that the boys had done well. So the sentence is, you have done well done my boys, you have done my boys have done well done my boys, so my boys have done well, he again the boys had done well. Ab maan lo isi mein yahan pe hum comma laga dete और माय बॉयज को कमा के बाद लिखते, इसका मतलब होता है कि आप बॉयज को पुकार रहे, आवाज लगा रहे, तब क्या लिखते, द कोच
applauded the boys, admired the boys, and said they had done well. They had done well. थोड़ा सा बदल, बात वही है, मिला जुला, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है कि जैसे ये कॉमा लगा के लिखते तो फिर क्या होता है, वोकेटिव केस में हो जाता है. वोकेटिव केस में जाकर मतलब माय वॉइस का होता ऑब्जेक्ट की तरह काम करता, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता तो फिर इसको बाहर निकालना पड़ता कि द कोच अप्लॉडेड द बॉयज, एडमायर्ड द बॉयज, अप्रिशिएटेड द बॉयज एंड सेड दैट दे हैव डन, दे हैड डन वेल. इतना ही है, दैट दे हैड डन वेल, इतनी ही बात. तो ये सारी कहानी थी रूल पर बेस्ट. 31 मिनट्स हुआ है. खैर, तो अभी तक जो कहानी हुई है वो सारे के सारे जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं वो प्योरली रूल बेस्ड पर है, कि जो रूल के आधार पर थोड़ा सा एक दो का सेंस भी आया. तो मोटा मोटी अभी तक बात ये हुई है कि जितने भी सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट चेंज में चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, उसमें दो तरह के रूल है, जनरल रूल्स है, स्पेशल रूल्स है. मेन जो है वो चेंज ऑफ पर्सन पे ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ टेंस पे ध्यान दीजिएगा. और चेंज ऑफ टेंस में जो जो नहीं बदला था, कंडीशनल सेंटेंस, टाइम क्लॉज, या दो का अगर एक एक्शन एक साथ से हो रहा था, या कोई हैबिचुअल फैक्ट था, या पास्ट का फैक्ट था, उन सब पर ध्यान दीजिएगा. उसके बाद जो मॉडल्स में मैंने बताया था मस्ट का, कुड का, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी समझना है. और फिर जब हम लोग स्पेशल रूल्स में आए तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि आपका जो इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर होता है और जो इंपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी मैच करता है, मतलब दोनों में मार्क ऑब्डक्शन होता है. दोनों में मार्क ऑफ डिविजन होता है लेकिन दोनों इंटरगेटिव निहारी है. हर सेंटेंस में जो मार्क ऑफ डिविजन तो इंटरगेटिव सेंटेंस होगा ये जरूरी नहीं है, ये बात समझना है. नहीं तो पहले हमारे दिमाग में क्या था कि मार्क ऑफ डिविजन है तो इंटरगेटिव ही सेंटेंस होगा, और सारे बच्चे क्या करते हैं मार्क ऑफ डिविजन को देखते हैं इंटरगेटिव वाले रूल से ही बना के आ जाते हैं. इसलिए थोड़ा सा मॉडल्स का भी ध्यान होना जरूरी होता है. कुड का इस्तेमाल हम सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए करते हैं. वुड का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते, रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए भी होता है. विल का इस्तेमाल या सेल का इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं, इसका हम परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए भी करते हैं. मे का इस्तेमाल भी ऐसा ही होता है. तो ये सब चीज़ ध्यान रखना होता है कि मे है, कुड है, शुड है, मस्ट है, इन सब के कई डिफरेंट यूज है, एक ही यूज नहीं है. अब जिसके दिमाग में कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया, कुड पहले आ गया, वुड पहले आ गया, सेल पहले आ गया, विल पहले आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही होगा, तो वो तो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा. हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब के आगे होने से रिक्वेस्ट की भी बात हो सकती है, ऑफर की भी बात हो सकती है, इस कमांड की बात भी हो सकती है. तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बात बन जाती है. तो जितने रूल बेस्ड नरेशन थे वो सारे खत्म हो गए. अब मैं आपको एक दो क्लास में, एक क्लास लगे चाहे दो क्लास लगे जो भी है, उसमें सिर्फ कुछ ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें सिर्फ सेंस चलता है. रूल तो जो है वो है ही, थोड़े बहुत तो रूल चलते ही लगते हैं, पूरा सेंटेंस जो बनता है वो सेंस बेस पे बनता है, सेंस पर. बस एक दो क्लास, एक क्लास लगे या दो क्लास, मुझे 15-20 सेंटेंस आपको थोड़े से अलग से प्रैक्टिस करवाने हैं जो प्योरली सेंस के आधार पे चलता है. कुछ में एक आदमी रूल भी चलता है, आप इतने सेंटेंस में आप बना देंगे. अब आपको नरेशन में ज्यादा तकलीफ, अब प्रैक्टिस की जरूरत है, मात्र प्रैक्टिस की, इतने में काम चल जाएगा. एंजॉय कीजिए. स्पेशल पॉइंट्स वाले सेंटेंस जो है, मतलब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस जो 15-20 है, वो मैं एक आध क्लास में, ये हो सकता है एक ही क्लास में पूरा हो जाए, ज्यादा दो क्लास लग जाएगा, और क्या होगा. 15-20 सेंटेंस करवाना है, ज्यादा तो है नहीं, 20-25 सेंटेंस हो जाए और क्या होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं.